हेलो गाइस, नीलम मौसल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि ये जास्मिन प्लांट है और इसमें देखिए अभी एक सिर्फ एक फूल आया है। देखिए तो एक फूल आया हुआ है इसमें, अभी ये नया नया ग्रोथ ही बढ़ा रहा है अपना। ये गर्मी प्लांट है तो गर्मी में ही ये अपना ग्रोथ बढ़ाता है। तो ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है इस तरह से। ये 10 साल पुराना प्लांट है जो ये डबल जास्मिन बोलते हैं इसको। 10 साल का पेड़ लगा हुआ है, इसमें बहुत सारा फूल आता है। लेकिन अभी ये जैसे ही अभी ग्रोथ बढ़ा रहा है तभी पहला फूल दिया है। अरे देखिए इसमें जाली कितना मकड़ा के लग चुका है, तो इसको हटा दीजिए। और इसको अगर आपको लगानी है तो इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं रहता है, लो मेंटेनेंस से सब पौधा है। आप थोड़ा सा अगर लगाना है तो टहनी इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए और इसको आपको लगाना तो इस तरह से नोखीला तोड़ लीजिए आप, और थोड़ा सा खरोच लीजिए इसको। खरोच के इसको आप ऊपर का भाग थोड़ा सा हटा दीजिए और इसको आप ज़मीन में लगाना है तो इसी तरह से ऐसे ही इसको सिर्फ गाड़ दीजिए, ये अपना ग्रोथ बढ़ाने लगेगा। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से इतना आप कर चुके और इसको पत्ती हटा दीजिए, क्योंकि पत्ती सारा एनर्जी ले लेती है, इसलिए पत्ती को हटा देना चाहिए। थोड़ा सा पत्ती रहने दीजिए और इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं, ये भी लग जाएगी। लेकिन कलम से लगाना है तो इसको आप पत्ती को हटा दीजिए बिल्कुल। इस तरह से यहाँ से नुकीला रहना चाहिए और आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस तरह से गाड़ दीजिए ज़मीन में, इसको गाड़ दीजिए और इसमें पानी डाल दीजिए, ये अपना ग्रोथ बना लेगा। और इसमें कोई भी फर्टिलाइजर न भी दीजिएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आप पानी डाल दीजिए, थोड़ा नमी बनाए हुए रहे तो अच्छा रहता है। लेकिन ज़्यादा भी पानी नहीं डालिएगा ज़मीन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाते समय तो आपको पानी डालनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसी तरह से आप इसको लगा लीजिए। थोड़ा सा कलम कहीं से लाइए और आप इसको नोकीला बना लीजिए और पानी डाल दीजिए, ये अपना ग्रोथ बना लेगी। तो वीडियो कैसा लगा आपको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।